खंडवा में सब इंस्पेक्टर गोलीकांड का खुलासा हो गया है। मामला बेहद चौंकाने वाला लव ट्रायंगल का निकला, जिसमें कथित प्रेमिका के दूसरे प्रेमी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाई थी। मामले का खुलासा करते हुए खंडवा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा में सब इंस्पेक्टर गोलीकांड का खुलासा, कथित प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी से मिलकर करवाया हमला। महिला के दूसरे प्रेमी ने मारी थी गोली। पुलिस ने महिला सहित तीन लोगों को किया गिरफ्तार। बुरहानपुर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर कमल किशोर अग्रवाल को 5 फरवरी को हरसूद के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी। सब इंस्पेक्टर हरसूद में अपनी कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचे थे। वहां से वापस आने पर प्रेमिका के एक दूसरे प्रेमी ने रास्ते में सब इंस्पेक्टर पर 2 फायर कर दिए। सब इंस्पेक्टर को एक ही गोली लगी, वह भी कमर के नीचे लगी, जिससे उनकी जान बच गई। घटना के पीछे की वजह बताते हुए खंडवा एसपी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के अग्रवाल अपने से आधी उम्र की कथित प्रेमिका पर शारीरिक शोषण के लिए दबाव डालते थे, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर सब इंस्पेक्टर को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। जब सब इंस्पेक्टर महिला से मिलने हरसूद पहुँचे तो महिला ने अपने दूसरे प्रेमी और उसके साथियों से सब इंस्पेक्टर पर हमला करवा दिया। महिला का जो अभी तक विवेचना में आया, ये कहना था कि वो उस पर दबाव बनाते थे और उसको अपने पास बुलाते थे। इस चीज़ से वो परेशान हो गई थी, वह जिसके फलस्वरूप उसने ये रचना ओम नारायण के साथ रची, जिसमें कि ओम नारायण ने उसके कज़न ब्रदर है राजकुमार, इन दोनों ने मोटरसाइकिल पर बैठ करके शांति बाई की सूचना पर के अग्रवाल को उस रूट पर घटनास्थल के पास चेज किया और उन पर ओम नारायण द्वारा फायर किया गया। चौथा आरोपी जो सरगीउद्दीन है, इससे ओम नारायण को जो कंट्रीब्यूशन डिस्टर प्राप्त हुई थी उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इस अच्छे कार्य के लिए थाना हरसूद टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में महिला सहित तीन लोगों को देशी कट्टे सहित गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा से शेख रहीम की रिपोर्ट।